नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे कलयुग अभी अंत नहीं होगा, बहुत समय बाकी है। 4,32,000 से सिर्फ 5,000 साल बीत चुका है, अभी भी 4,27,000 बाकी है। आप थोड़ा सोचिए, अब कली का मात्रा कितना बढ़ चुका है, वायुमंडल दूषित हो चुका है, मनुष्य के आबादी कितना बढ़ चुका है, कितने जीव जंतु से लेकर पक्षी तक लोप हो गए हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थपर हो चुका है, कैसे खुद की परिवार और खुद कैसे बचेगा वही देख रहा है। कोई मरे या गुजर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे और 4,00,000 कलयुग चलेगा? इसीलिए महापुरुष ने कहा है बहुत पाप कलयुग में बढ़ जाएगा और कलयुग सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। जैसे जैसे इस धरती पर पाप की मात्रा बढ़ जाती है तब भगवान अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश कर देते हैं। अब इस धरती पर लगभग 800 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। महापुरुष ने कहा है सिर्फ 66 करोड़ लोग सत्ययुग में जाएंगे, यानी कलयुग अंत हो चुका है, अब अनंत युग चल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद जी की कहना अनुसार 2020 से 2030 तक अनंत युग चलेगा, यानी अनंत युग चल रहा है, यानी 2030 के बाद जो रह गया वो सत्य युग में जाएगा। महापुरुष ने ये भी कहा है भगवान चाहेंगे तो ये सब एक दिन में भी संहार कर देंगे, कारण वो इस संसार का मालिक है, वो चाहे तो एक हाथी को उड़ा देंगे और वो चाहेंगे तो पानी में बड़े बड़े पत्थर तैरने लगेगा। भविष्य मालिका में लिखा हूँ, ये सत्य है, लेकिन जो भगवान मुझे बताया था वही मैं इस भविष्य मालिका में लिखा हूँ, ये कब झूठ नहीं हो सकता। एक वीडियो हम अपलोड किए थे, आप आमिष भोजन छोड़ दे नहीं तो माँ की खप्पर में पड़ोगे। उस वीडियो में बहुत सारे दर्शक कमेंट में कह रहे हैं माता अपनी संतान की कैसे खून पिएगा, कोई माता अपनी संतान की खून नहीं पीता है। हम उनको कुछ पूछना चाहते हैं, क्या माँ की संतान सिर्फ इंसान है? सारे जीव जंतु पक्षी ये सब माँ की संतान नहीं है? जब उनको तुम मार के उनकी रक्त मांस खाओगे तो आप माँ की संतान की हत्या नहीं किया? भगवान माँ काली को कहा था आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा इस द्वापर युग में, जब कलयुग के अंत समय आएगा आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूरी जानकारी के लिए आप चैनल पर जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान को 5 पांडव ने पूछा, हे भगवान, इस युद्ध में कौन ज्यादा संहार किया है, भीम ज्यादा संहार किया है या अर्जुन? भगवान उनको कहा, चलो बेलाल सिंह के पास उसको पूछते हैं कौन ज्यादा संहार किया है। भगवान कृष्ण और 5 पांडव बेलाल सिंह के पास गए और भगवान कृष्ण बेलाल सिंह को पूछा, हे बेलाल सिंह, तुम तो पूरे युद्ध दिखा है, तो कौन ज्यादा इस युद्ध में संहार किया है, तुम्हारा पिता भीम या काका अर्जुन? बेलाल सिंह ने कहा, हे प्रभु, ना पिता भीम ने संहार किया है ना काका अर्जुन ने, सिर्फ सुदर्शन चक्र संहार कर रहा था। इसी तरह महापुरुष ने कहा है इस कलयुग की अंत में सुदर्शन चक्र अदृश्य होकर संहार कर रहा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। यदि आप एक लोगों को भी धर्म मार्ग पर ले आते हैं तो आपको कई पुण्य मिलता है। महापुरुष अच्युतानंद जी की वाणी है।